इनेलो को झटका देते हुए वरिष्ठ नेता श्याम सिंह राणा ने बीजेपी में घर वापसी कर ली है और चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर सीएम आवास पर ये ज्वाइनिंग हुई है। वहीं श्याम सिंह राणा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। खुद सीएम नायब सैनी ने पटका पहनाकर श्याम सिंह राणा और उनके बेटे का पार्टी में स्वागत किया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद श्याम सिंह राणा ने सीएम सैनी की जमकर तारीफ की है और फिर से प्रदेश में बीजेपी सरकार बनवाने के लिए समर्थकों से आग्रह करते हुए भी नजर आए हैं। वहीं सीएम नायब सैनी अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते नजर आए। सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार चरम पर था, जबकि बीते 10 साल में बीजेपी सरकार ने प्रदेश में बदलाव लाने का काम किया है। आप एक बार फिर से अपने परिवार में वापसी कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? अच्छा कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, सीपीएस रहे और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में आए तो अच्छा लगे। सर, इंडियन नेशनल लोकदल ने तो आपकी टिकट भी घोषित कर दी थी रादौर से, लेकिन इसके बावजूद पार्टी को छोड़ने की वजह क्या क्या रही है? मतलब क्या कोई विशेष कारण रहे हैं इसके पीछे? नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे को कोई शिकायत नहीं है, व्यक्तिगत तो कोई शिकायत नहीं है। कार्यकर्ताओं की डिमांड थी देश के अंदर ध्रुवीकरण होने लग रहा, या तो कांग्रेस में या बीजेपी में, और कांग्रेस को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं की जरूरत है और उस जरूरत को पूरा भी करना चाहिए। लेकिन इस बार जो लोकसभा का चुनाव है उसमें से 10 में से 5 सीटें जो है वो बीजेपी की आई है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी को नुकसान जो है एक तरीके से हुआ है लोकसभा चुनाव में। देखिए, तो चुनाव जनता है, जनता मालिक है, जनता जो फैसला करेगी, पॉलिटिकल पार्टी को तो मानना पड़ेगा जनता का फैसला है। 5 उनकी है, 5 कांग्रेस पार्टी की, 5 भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अभी आप क्या मानते हैं 2024 के विधानसभा चुनाव में जो आप अभी मंच पे कह रहे हैं कि तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में बनानी है, तो क्या लोगों का मन है? आपने लोगों की नब्ज कंट्रोल के देखा होगा, क्या लोग इसके लिए तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हर पार्टी को ऐसे कैंडिडेटों की जरूरत है जो जीतने वाले हैं। जो पार्टी ये जीतने वाले कैंडिडेटों को मैनेज करेगी तो उसकी सरकार अवश्य बनेगी। 2019 में आप सीएम हाउस बैठे थे, आपकी टिकट घोषित हुई, सूची आई, नाम नहीं था, टिकट कट गई। अब 2024 में एक बार फिर आप वापसी तो कर रहे, लेकिन टिकट इस बार रादौर से श्याम सिंह राणा की होगी? देखिए, तो पार्टी देखेगी, पहले से भारतीय जनता पार्टी में घोषणा नहीं हो सकती जी। वो तो पार्टी का निर्णय जो होता है तभी पता लगेगा। लेकिन श्याम सिंह राणा इसके लिए भी तैयार है, इनेलो की टिकट छोड़कर आए हैं, यहाँ टिकट मिले ना मिले लेकिन भाजपा में काम करना है। देख, टिकट का लालच होता तो फिर आप देख ही रहे हो, टिकट छोड़ के आए तो टिकट का तो कोई लालच नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमारे साथ श्याम सिंह राणा थे जो कह रहे हैं कि मैं टिकट इंडियन नेशनल लोकदल की छोड़कर बीजेपी में आया हूं, बीजेपी से टिकट मिले या नहीं मिले कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी चंडीगढ़।